को तो शासन और प्रशासन के क्रियाकलापों और इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए कोर्ट के आदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पैसे के सामने शासन और प्रशासन कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने में संकोच नहीं करता। खासकर मामला उस समय और दबाने का प्रयास किया जाता है जब किसी बड़े उद्योग घराने का मामला हो। दरअसल मामला जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड जेपी नगर रीवा का है, जहां फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जितेश कुमार मिश्रा और अन्य की जमीन पर कब्जा किया गया है। पीड़ित परिवार पहले तो जिला प्रशासन के पास भटकता रहा, जब उसे न्याय नहीं मिला तो कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद नायब तहसीलदार बनकुइया को आदेश दिया गया कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के द्वारा जो जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उसे खाली कराया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित किसान कोर्ट ऑफ कंटम लगाया गया। इसके बाद पटवारी, राजस्व निरीक्षक और थाना प्रभारी के साथ साथ फैक्ट्री प्रबंधन को आदेश दिया गया कि 8 सितंबर के पूर्व अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। बेदखली की कार्यवाही के लिए दल गठित किया गया, लेकिन प्रशासन जेपी सीमेंट फैक्ट्री के सामने नतमस्तक रहा। यह कहें कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करने में प्रशासन बच रहा है। समय बीतने के बाद फिर पीड़ित कोर्ट ऑफ क्वांटम लगाया है, जिसके बाद आदेश हुआ है, लेकिन नहीं लगता कि प्रशासन फैक्ट्री प्रबंधन पर कोई कार्यवाही करना चाहता है, जिसके चलते किसान की खाली जमीन नहीं मिल पा रही है। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने क्या कहा है। आपका नाम? जितेश कुमार मिश्रा। आपकी माता द्वारा एक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, उसमें माननीय कलेक्टर रीवा को आदेशित किया गया था कि 60 दिवस के अंदर आपकी जमीन वापस कराई जाए, आज दिनांक तक क्या हुआ? 60 दिवस की अवधि हाई कोर्ट ने जेपी सीमेंट को दी। 60 दिवस के अंदर जेपी सीमेंट नहीं खाली करा पाया, मैंने उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम लगाया। कंटेम में 3 सप्ताह का कोर्ट ने मौका दिया कि जवाब दीजिए। इसी दौरान मुझे एक सूचना पत्र जारी करा के प्रशासन द्वारा कि दिनांक 8 नवंबर को आपकी ज़मीन खाली कराई जाएगी, मुझे सूचना प्राप्त हुई, पत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद 8 तारीख को पर मैं मौके पर उपस्थित हुआ। मेरी जहाँ जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है वहाँ पे न तो कोई प्रशासनिक व्यक्ति आया न कोई आया। इसके बाद ये आप मानिए कि इतना दबाव है जेपी सीमेंट का प्रशासन के ऊपर कि जिला प्रशासन नतमस्तक है जेपी सीमेंट के आगे, ये स्थिति है। और अभी एक ताजी घटना आप देख लीजिए, केजेएस में एक मजदूर नेता मनीष शुक्ला, उसकी केजेएस सीमेंट ने हत्या करवा दी और उसमें एचआर के मैनेजर लोग फंस गए। हो सकता है कि यदि मैं इनके ऊपर कहीं से दबाव बनाता हूँ, किसी के ऊपर किसी के पास जाता हूँ, तो हो सकता है कहीं ये मेरी हत्या न करवा दें।